गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा जेई और नीट का जो असाइनमेंट सेकंड आपको दिया गया था, ये उसका डाउट लेक्चर है, ठीक है। जितने डाउट्स आपने भेजे थे बेटा, उसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा कोई किसी क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम जाता है तो आप व्हाट्सएप पर कर दीजिए, ठीक है ना। और जैसे आपका पोस्ट मिलेगा मुझे तो मैं उसको, ठीक है, कॉपी एंड पेन का यूज़ करके सॉल्व करके मैं उसको व्हाट्सएप पर डाल दूँगा, ठीक है, ताकि आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। लेकिन जो डाउट्स अभी दिए गए थे लेक्चर बनाने के पहले, तो चार डाउट्स थे बेटा। तो ये जो पूरा असाइनमेंट टू जो था, ये बॉन्ड एंथैल्पी पर डिपेंड है, ठीक है। उसके आंसर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं बेटा, 165 से क्वेश्चन थे 173 तक, और ये पूरे आंसर्स यहाँ पे लिखे हैं मैंने, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा अपने इसके साथ, ठीक है, आपने जो भी सॉल्व किया है क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो डाउट दिए बेटा, जो मेंशन थे व्हाट्सएप में, वो थे 167, 169, 171 और 173। तो यही चार क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन 167। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया क्या है, तो आपको बेटा यहाँ पे चार अलग अलग बॉन्ड एंथैल्पीज दी है, ठीक है ना, चार अलग अलग, ठीक है। कार्बन विथ ए, उसके बॉन्ड एंथैल्पी कार्बन, विथ बी उसके एंथैल्पी कार्बन, विथ डी कार्बन, विथ ई, ठीक है ना। और आपको पूछा है स्मॉलेस्ट साइज वाला एटम कहाँ पे है, किस बॉन्ड में इन्वॉल्व है, ठीक है ना। आपको मालूम है जितना एटम छोटा होगा, ठीक है ना, बराबर है, ठीक है, उतना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी बेटा उतना स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, और जितना स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम जिस हिंट्स को इस्तेमाल करेंगे वह है एटॉमिक साइज, ठीक है ना, जितना छोटा, ठीक है ना, उतना बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। ये हिंट आप यूज़ करते हैं, और इस हिंट को अगर आप यूज़ करते हैं तो इन चार जो गिवन डाटा जो है आपके पास, सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पर दिखाई देगी आपको, ठीक है, सी बॉन्ड ई में, बराबर है। तो आपको इसका मतलब यहाँ पर ये एक आइटम तो कॉमन है, कार्बन, उसको छोड़ दीजिए, ए बी ई और डी, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको बॉन्ड एंथैल्पी कहाँ पर नज़र आ रही है, 486 सी बॉन्ड ई में, मतलब ये ई एटम जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब ये ई ऑप्शंस आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं बेटा, उसमें ये किस कितने नंबर पर है, ठीक है ना, तो ये आता है ई बी, सेकंड आंसर दिया हुआ है, तो 167 का देखो बेटा बी आंसर दिया है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे सिंस बॉन्ड एंथैल्पी 486 किलो जूल पर मोल इज हाईएस्ट, देयरफॉर एटम ई इज स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। और ये एटम ई अगर स्मॉलेस्ट है, मतलब हमारा आंसर जो है वो क्या आना चाहिए बेटा, बी, छोटा सा संकल्प, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं 169 की तरफ, ठीक है। 169 में क्या दिया हुआ देखो जरा, ठीक है, ये 169 में गिवन कंडीशन में दिया है बेटा, एक कंपाउंड है PH3, फास्फोरस का कंपाउंड है, फास्फोरस का हाइड्राइड बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, ये भी हाइड्राइड है, ये भी हाइड्राइड है, दोनों हाइड्राइड है, ठीक है। तो ये फास्फोरस का जो हाइड्राइड है बेटा, उसकी एटमाइजेशन एंथैल्पी दी है, मतलब जब ये एटम में ब्रेकअप हो जाएगा, इंडिविजुअल फास्फोरस अलग और हाइड्रोजन अलग, वो वाली एंथैल्पी दी है, एटमाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद में P2H4, इसकी भी एटमाइजेशन एंथैल्पी दी है, दोनों की एटमाइजेशन एंथैल्पी दी हुई। और आपको पूछा क्या है, फाइंड पी बॉन्ड पी, इसकी एंथैल्पी पूछा है, पी बॉन्ड पी मतलब ये जो एंथैल्पी बेटा कौन सी एंथैल्पी रहेगी, बॉन्ड एंथैल्पी। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये जो दोनों कंपाउंड है, ठीक है ना, उसका स्ट्रक्चर बना के रखा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बेटा P2H4 का, तो P इस तरह से अरेंज रहेगा, दो H इधर रहेंगे, दो H इधर रहेंगे, उसके ऊपर लोन पेयर भी रहेंगे, ऐसा अरेंजमेंट रहेगा। PH3 जो है बेटा यहाँ पे लोन पेयर, उसके ऊपर और बाकी के तीन H इस तरह से रहेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो इस PH में कितने बॉन्ड है, PH बॉन्ड कितने बेटा इस P2H4 में, चार, और PH3 में कितने, तीन, ठीक है। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे,
एटमाइजेशन एंथैल्पी दी है, ठीक है, तो एटमाइजेशन एंथैल्पी दी है, ठीक है, तो हम इसमें इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन दोबारा बना लेते हैं, ये P2H4 अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये P, दो एटम P के बनेंगे और चार एटम फास्फोरस के बनेंगे, बराबर है, ठीक है। इसकी एंथैल्पी मतलब इस रिएक्शन की एंथैल्पी दी है डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल टू कितना दिया बेटा 355, बराबर, ये दिया है किलो जूल, सॉरी किलो जूल भी नहीं है, ये किलो कैलोरीज पर मोल, कैलोरीज में दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें यहाँ यहाँ पे जो बॉन्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के बॉन्ड है बेटा, एक पी बॉन्ड पी है और एक पी बॉन्ड एच है, बराबर, ठीक है। तो अगर हम इधर तो ठीक है, इसमें अगर ये फार्मूला लगाते हैं पी एच रिएक्शन इक्वल टू समेशन रिएक्टेंट बॉन्ड डेल्टा एच रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस समेशन डेल्टा एच प्रोडक्ट बॉन्ड, ठीक है ना, तो इसमें बेटा प्रोडक्ट साइड में तो कुछ है ही नहीं, बॉन्डिंग का तो कोई रोल ही नहीं है, इंडिविजुअल आइटम्स है सभी, फास्फोरस इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, ये प्रोडक्ट साइड में तो पूरा क्रॉस है, कुछ लेना ही नहीं पड़ेगा, जीरो रहेगा, ठीक है ना। अब ये जो एंथैल्पी जो दिया बेटा कितनी दी है 355, ठीक है। अच्छा रिएक्टेंट साइड में कितने बॉन्ड है बेटा, देखो यहाँ पे दो, एक बॉन्ड पी का है, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा एच लेना पड़ेगा पी बॉन्ड पी का और प्लस पी एच बॉन्ड कितने बेटा चार, तो ये फोर पी एच बॉन्ड ऐसा करते हैं, और इधर तो पूरा जीरो रहेगा, उसको काट दिया अपने, ठीक है, बराबर। अब अपने को निकालना कौन सा बेटा, पी पी बॉन्ड पी, तो पी एच बॉन्ड की एंथैल्पी लगेगी आपको, तो पी एच बॉन्ड की एंथैल्पी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं पहले इससे। अभी देखो इस कंपाउंड का ब्रेकअप हुआ है, ठीक है ना, अब ब्रेकअप हुआ है मतलब ये जो कंपाउंड है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे इसको इसका ब्रेकअप हुआ, इसका ब्रेकअप करेंगे तो आपको मालूम इसमें एक पी बनेगा और तीन एच बनेंगे, बराबर। अब ये बनाने के लिए बेटा ये तीनों बॉन्ड ऐसे ब्रेक करने पड़ेंगे, है ना, और जिसको आप ब्रेक कर रहे हैं मतलब एक्चुअल में क्या होगा पीएच की बॉन्ड एंथैल्पी है और यहाँ पे तीन बॉन्ड है तो तीनों बॉन्ड की मिला के एंथैल्पी दी हुई है 228, तो आप क्या करेंगे उसको डिवाइड बाय, ठीक है ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे तो यहाँ पे देखिए पी एच थ्री, ठीक है ना, यहाँ पे बट करके लिखता हूँ बट पी एच थ्री, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी है 288, बराबर, ठीक है, तो यहाँ पे तीन बॉन्ड है इसलिए इसको क्या कर देंगे, तो मुझे यहाँ पे पी एच बॉन्ड, ठीक है ना, इसके अंदर में निकालें तो 288 इसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे, ठीक है ना, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 9 3 47, ठीक है ना, 18 6 6 18, ठीक है ना, तो 96 किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, 96 मल्टीप्लाई करके देख लो, सॉरी यहाँ पे 228 है, 288 सॉरी, तो कितना नहीं आएगा, तो ये आएगा पहले 7 3 7 21 और ये 76 आएगा, ठीक है, चलो ये हो गया, ये पी एच बॉन्ड की एंथैल्पी आ गया बेटा, ठीक है ना, इस तरह से हमने निकाला, क्यों तीन से डिवाइड किया समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ पे तीन बॉन्ड है और इसी को ब्रेक करके ये रिएक्शन कंप्लीट होगी और उसी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी दी है एटमाइजेशन एंथैल्पी, यहाँ पे तीन बॉन्ड है इसलिए डिवाइड बाय 3 बस, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो तो ये वाला पार्ट जो है ये पार्ट, ठीक है ना, इसको छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा बेटा 355, ठीक है ना, ये एंथैल्पी चाहिए हमको, ठीक है, इसको डेल्टा एच और यहाँ पे पी बॉन्ड पी डेल्टा एच, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं डेल्टा एच पी बॉन्ड पी, उसके बाद में प्लस 4 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 76, अगर 76 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे और इधर ला लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 355 माइनस, तो 7 चौके ये आ जाएगा 28, 2 बचा 7 चौके 7 चौके 6 चौके 24, तो 4 2 बचे 7 चौके 28 29 30 ऐसा आ गया, तो ये डेल्टा एच पी बॉन्ड पी, तो कार्बन देखो ये 55 से ही निकल गया, तो कितना आ जाएगा ये 1 ये 5 और इधर 0, ये 51 इक्वल टू डेल्टा एच पी बॉन्ड पी, ठीक है, ये हमारा आंसर बना चाहिए।
ठीक है ना। 51 देखो बेटा, 169 में 51 कहाँ पे है, तो 51 वाला जो है बेटा सेकंड नंबर पर दिया हुआ है, तो 169 का भी देखो बेटा आंसर बी दिया है। इधर देखो, यहाँ पे मैं आंसर लिख देता, आंसर इसका क्या आ रहा है, बी 51 किलो कैलोरीज, ठीक है। इस तरह से बेटा ये दो सम सॉल्व हो गए, बहुत इजी सम था ये, ठीक है। किस फार्मूला का इस्तेमाल किया हमने, बॉन्ड एंथैल्पी वाला जो फार्मूला है, ठीक है ना, रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस तरह से था। अभी 171, ठीक है, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, लास्ट में सेकंड लास्ट है आपके डाउट के हिसाब से, इसमें क्या करना है, ध्यान से देखो, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। यहाँ पे एच बॉन्ड एंड एच बॉन्ड एच, इसके अंतर भी दिए ओ बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, इसके अंतर भी दिए ओ बॉन्ड एच, इसके अंतर भी दिए ओ सिंगल बॉन्ड ओ, इसके भी अंतर भी दिए, और साथ में दिया बेटा यहाँ पे वेपराइजेशन एंथैल्पी, और आपको कुछ क्या पूछा, आपको फॉर्मेशन एंथैल्पी पूछा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखो बेटा, इसको फॉर्म करना है, ध्यान से देखना, H2O2 लिक्विड फॉर्म है, ठीक है ना, इसको फॉर्म करना है, ठीक है, वेपराइज करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो इसको फॉर्म करना है, तो ये फॉर्म होगा H2+O2 से, ये भी गैस फॉर्म में रहेगा, ये भी गैस फॉर्म में रहेगा, ठीक है बराबर, और ठीक है इसको वेपराइज करेंगे, इसको फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर्मेशन एंथैल्पी 171 के हिसाब से अगर देखें, 171 के हिसाब से, ठीक है, 171 के हिसाब से अगर देखें, तो एक बात इसमें टेली कर लेते हैं बेटा, ये जो 171 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें चीजें कैसे दी है वो देखो, गिवन कंडीशन में और इसमें, ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। एंथैल्पी कितनी दी है बेटा वो देखिए, एच बॉन्ड एच की दी है, ओ बॉन्ड ओ की दी है, ओ एच बॉन्ड की दी है, ओ बॉन्ड ओ की दी है, इतनी एंथैल्पी यहाँ पे गिवन है। वेपराइजेशन एंथैल्पी भी दी है, और यहाँ पे H2O2 की फॉर्मेशन एंथैल्पी पूछा है। अभी कैसे, ध्यान से देखिए, ठीक है ना, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये मेन इक्वेशन आपको लिखना होगा, ठीक है। तो बेटा H2O2 का फॉर्मेशन आपको मालूम है, ये लिक्विड कंडीशन में रहता है, चलो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, अभी बनेगा किससे, तो H2O2 से बनेगा, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल यहाँ पे, ठीक है, दोनों को लिखना पड़ेगा, बैलेंसर रिएक्शन से गैस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे वेपराइजेशन एंथैल्पी, मतलब ये लिक्विड वाला पार्ट गैस में कन्वर्ट होगा, अभी तो वेपराइजेशन एंथैल्पी दी है ना, तो H2O2 को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो एंथैल्पी यूज हो रही है उसको बोलेंगे हम एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन 52 किलो कैलोरीज, चलो किलो जूल मिल गया, यहाँ तक आ गया बेटा, ठीक है ना। इसके बाद में उसने क्या किया मालूम है, OH और ये O बॉन्ड O, इसकी भी एंथैल्पी दी है, इसका मतलब ये H2O2 को जब हम इसको जब एटमाइज करेंगे, एटम में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके ये एंथैल्पी यूज होगी, इसलिए हमने ये भी रिएक्शन लिखी है यहाँ पे, बराबर है, ठीक है। अब ये वाला जो है, ये वाला जो यहाँ पे पार्ट आ रहा है बेटा, ये वाला पार्ट यहाँ पे यूज होता है, देखो दोनों पार्ट सेम है, 2H गैस 2O गैस, 2H गैस 2O गैस, ठीक है ना, यही पार्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, फिर ये कन्वर्ट हो रहा है मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स में जाकर कन्वर्ट हो रहा है, इस तरह से ये ऐसा साइकिल बनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले क्या किया हमने, फिर से बता रहे हैं, फॉर्मेशन रिएक्शन बोला, फॉर्मेशन, तो H2O2 का फॉर्मेशन, आपको मालूम है फॉर्मेशन रिएक्शन कैसे दिखते हैं, तो जो कंपाउंड में जो एलिमेंट्स रहते हैं उसी को लिखते हैं हम, यहाँ पे एच और ओ दिख रहा है, तो H2 रहता है, O2 स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, वो लिख दिया हमने, ये लिखने के बाद में यहाँ पे वेपराइजेशन एंथैल्पी थी, इसलिए हम H2O2 लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किए, तो 52 एंथैल्पी यहाँ पे कंज्यूम हो रही है, इसका मतलब उसके बाद में यहाँ पे एच बॉन्ड एच के भी एंथैल्पी दी है, अब एच बॉन्ड एच कहाँ पे मिलेगा आपको, H2 में मिलेगा, मतलब उसके एंथैल्पी दी है, मतलब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मतलब उसके एंथैल्पी दी, कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा होगा, 2H गैस में, फिर O बॉन्ड O की भी एंथैल्पी दी है, तो यहाँ पे O2 की जगह पर आएगा O बॉन्ड, O2 के इसमें रहेगा ना O डबल बॉन्ड O, ये भी इसका मतलब एटम में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे एंथैल्पी आ गई, दोनों एंथैल्पी यहाँ की है, बराबर, मतलब इस कंडीशन में है और इस कंडीशन से ये इस कंडीशन में कन्वर्ट हो गए, इसलिए ये एंथैल्पी यहाँ पे यूज हो गई, इतना हो गया। उसके बाद में इसने H2O2 HO भी बॉन्ड बताया है और O बॉन्ड O भी बताया है,
ठीक है ना। अब ये बॉन्ड कहाँ पे रहता है तो ध्यान से देखिए H2O2 को अगर हम बनाए मतलब H बॉन्ड O बॉन्ड O और बॉन्ड H पर सिंगल सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ये OH बॉन्ड इधर का OH बॉन्ड और बीच में ये O बॉन्ड O तो O बॉन्ड O की एंथैल्पी ये और OH बॉन्ड की एंथैल्पी ये। तो देखो एंथैल्पी के हिसाब से हमको ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट करना है। इसका मतलब क्या हो रहा है ये H2O2 कन्वर्ट टाइम हो रहा है सभी बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो O अलग H अलग तो दो H बनेंगे दो ऑक्सीजन बन जाएंगे मतलब यहाँ के एंथैल्पी है जो हमको ठीक है ना बराबर है ठीक है ना इस तरह से दिया हुआ है ठीक है। तो यहाँ पे तो हमको ओवरऑल इसकी निकालना है एंथैल्पी ठीक है ना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगे ठीक है ना यहाँ की एंथैल्पी ऑलरेडी दी हुई है ये भी गिवन है ठीक है ना। तो ये एटमाइजेशन एंथैल्पी भी क्या है यहाँ पे क्या है ये भी गिवन है बराबर। तो देखो ये एंथैल्पी दी है ये एंथैल्पी दी है ये एंथैल्पी दी है ये एंथैल्पी दी है हमें पूरे रिएक्शंस की एंथैल्पी का यहाँ पे टोटल निकालना है कितनी आया तो यहाँ पे जितनी भी रिएक्शंस हो रही है ठीक है ना उन सबका प्लस करना अपने को। तो प्लस कैसे करेंगे बेटा यहाँ पे तो सब बॉन्ड एंथैल्पी दी है इसलिए हमने बॉन्ड एंथैल्पी वाला फार्मूला लिखा है। देखो तो डेल्टा एच रिएक्टेड मतलब रिएक्टेड नहीं डेल्टा एच रिएक्शंस मतलब रिएक्शन की एंथैल्पी समेशन डेल्टा एच रिएक्टेड बॉन्ड माइनस समेशन डेल्टा एच प्रोडक्ट बॉन्ड ठीक है ना। अब रिएक्टेड बॉन्ड के अंदर आप इधर कौन से बॉन्ड है बेटा एच बॉन्ड एच सिंगल ही है इसके एंथैल्पी इसकी एंथैल्पी लिखेंगे हम एच बॉन्ड एच ठीक है ना इसकी एंथैल्पी लिखेंगे बेटा यहाँ पे डेल्टा एच ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे ओ बॉन्ड ओ इसकी एंथैल्पी लिखेंगे डेल्टा एच ठीक है ना। उसके बाद में ये हो गया रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में क्या हो रहा है यहाँ पे वेपराइजेशन हो रहा है तो वेपराइजेशन एंथैल्पी ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह के बॉन्ड इन्वॉल्व है जिसका ब्रेकअप हो रहा है एटमाइजेशन एच बॉन्ड ओ एच बॉन्ड ओ इसकी एंथैल्पी लिखेंगे बेटा ये एच बॉन्ड ओ इसकी एंथैल्पी ठीक है ना और ये ओ बॉन्ड ओ उसकी एंथैल्पी एच बॉन्ड ओ के सामने में मैंने टू लगाया क्योंकि दो दो बॉन्ड है इसलिए बराबर। अब सभी वैल्यूज उसमें पुट कर देगा ठीक है। अब ये वैल्यूज पुट करके मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके देता हूँ ठीक है ना। यहाँ पे देखो बेटा डेल्टा एच रिएक्शंस इक्वल ठीक है ना एच बॉन्ड एच ये एच बॉन्ड एच कितना है बेटा एच बॉन्ड एच तो यहाँ पे आ जाएगा 435 ठीक है ना 435। फिर इसमें बेटा ओ बॉन्ड ओ कितना दिया है 498 फिर माइनस ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा वेपराइजेशन तो वेपराइजेशन एंथैल्पी कितना दिया 52 ठीक है ना। उसके बाद एच बॉन्ड हो कितना दिया बेटा एच बॉन्ड हो 464 तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 464 ठीक है और ये प्लस ठीक है ना। उसके बाद ओ बॉन्ड हो कहाँ पे ये है कितना दिया 142 ऐसा। अब आप तो सॉल्व कर सकते हैं इसीलिए ठीक है। तो ये आफ्टर सॉल्विंग पूरा ये आंसर आता है पूरा का पूरा और आंसर जो दिया बेटा 171 में वो दिया सी और 171 में जो सी नंबर का जो आंसर दिया है ठीक है वो दिया बेटा 189 ठीक है ना 189 माइनस 189 आंसर आता है ठीक है। तो देख लेते हैं ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 198 आंसर है और आपके इसके हिसाब से आंसर है बेटा सी ठीक है ना आंसर है सी। तो सारी चीज दोनों को ऐड करोगे तो नंबर बड़ा ही आएगा फिर से 2 से मल्टीप्लाई करने का इसको ऐड करके उसमें से माइनस कर देना ठीक है। इस तरह से ये 171 यहाँ पे सॉल्व होता है ठीक है। तो आपके डाउट को वैसे बेटा ये बी 167 हो गया 169 हो गया 171 हो गया अभी 173 देख लेते हैं ठीक है। बेटा आपके डाउट का सबसे लास्ट 173 ठीक है ना ये सीट कंप्लीट हो जाती है ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे चार बॉन्ड एंथैल्पी है एन बॉन्ड एन ठीक है ना क्वेश्चन के हिसाब से एन बॉन्ड एच एन बॉन्ड एन ठीक है। यहाँ पे सिंगल है यहाँ पे ट्रिपल है ना दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है ध्यान रखिएगा एच बॉन्ड एच ऐसे चार बॉन्ड एंथैल्पीज है और आपको क्या पूछा है एन टू एच फोर की फॉर्मेशन ठीक है ये पूछा है एंथैल्पी। तो आपका सबसे पहला काम क्या बेटा फॉर्मेशन एंथैल्पी पूछा है मतलब इसका आप क्या लिखेंगे रिएक्शन लिख दिया देखो इधर एन टू एच फोर लिखा हुआ है और आपको मालूम है ये कैसे फॉर्म होगा तो एन टू और एच टू से ठीक है। अब एच टू इधर फोर है तो यहाँ पे ट्वाइस करना पड़ेगा फिर दो एन के बीच में बेटा ट्रिपल बॉन्ड रहता है दो एच के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है और ये एन टू एच फोर ऐसा रहेगा ठीक है ना। इस समय एन के ऊपर लोन पेयर रहेगा ठीक है ना यहाँ पे भी लोन पेयर रहेगा यहाँ पे भी लोन पेयर। तो इस तरह से ये रिएक्शन लिखे हो अब आपको मालूम है
हमें लिखना क्या है, वन एंथैल्पी लिखनी है, तो डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल टू समेशन डेल्टा एच रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस समेशन डेल्टा एच प्रोडक्ट बॉन्ड, बराबर है। अब रिएक्टेंट बॉन्ड लिख लो, एन ट्रिपल बॉन्ड एन के एंथैल्पी लिखना है, तो डेल्टा एच एन ट्रिपल बॉन्ड एन इसके एंथैल्पी लिखेंगे प्लस कर देना। फिर दूसरा क्या था एच, इसको ट्वाइस करना पड़ेगा, ट्वाइस डेल्टा एच एच बॉन्ड एच, अब ये कंप्लीट है ना। उसके बाद क्या करेंगे माइनस यहाँ पे, अब बेटा इधर प्रोडक्ट साइड में देखो एन एच बॉन्ड कितने लिख रहे हैं चार, तो फोर ठीक है ना, और ये एच ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखते इसको ऐसा कर देंगे फोर एच करके एन बॉन्ड एच ऐसा, फिर प्लस एंड बॉन्ड एंड सिंगल ही है तो डेल्टा एच एंड बॉन्ड एच ऐसा करके ऐसा अरे क्लोज है। तो रिएक्टेंट साइड में दो बॉन्ड है एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड और एच बॉन्ड एच वो लिख दिया, प्रोडक्ट साइड में एंड एच एन एच के चार बॉन्ड है और एंड एन एच के चार बॉन्ड है और एन एन के कितने बॉन्ड है बेटा, ये एन एच के चार बॉन्ड ठीक है ना, और एंड बॉन्ड एंड कितना सिंगल है, अब वैल्यूज पुट कर दो आप आंसर आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा एन बॉन्ड एंड के एंथैल्पी कितने दिए 941 प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा तो इसको बड़ा ब्रैकेट देना पड़ेगा। एच बॉन्ड एच कितने दिया, एच बॉन्ड एच 436 ये इधर क्लोज, फिर यहाँ पे ये 4 एन बॉन्ड एच, एन बॉन्ड एच इधर है ये कितना दिया 398 प्लस एन बॉन्ड एन ये 159 ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे लगता है बेटा इसको तो सॉल्व कर सकते हैं ठीक है ना, तो मैं इसको यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। इसका जो आंसर है अब आंसर दिया बेटा बी यही आना चाहिए और ये आता भी है, अब इसको सब सॉल्व करेंगे ये आंसर आएगा 173 वाला ठीक है। अब 173 पर जो नंबर दिया है 173 पर बी आंसर मतलब 62 ठीक है, तो 62 किलो जूल सॉल्व करेंगे इसको तो 62 किलो जूल पर मोल ठीक है ना। आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, इसका मैं इसको डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, मैं तो आप बोलेंगे सर आंसर क्यों लिख दिया लिख दिया, बहुत इजी है ठीक है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम, इतना पोर्शन तो आप कर सकते हैं ठीक है। थैंक यू।